बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं और डिनर में जो आज हमारे घर में बन रहा है वो है सिंधी बिरयानी। बहुत मज़े की बिरयानी होती है लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, चले इंग्रेडिएंट्स से बात करती हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी आपको बताती रहूँगी साथ में ना। मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले आधा किलो जो है मैंने गोश्त ले लिया और 600 ग्राम के करीब मैंने चावल लिए जो मैंने अभी सोक करके रखे हैं पानी में। अभी मैंने करीब एक घंटा हो गया, ठीक है, पानी में मैंने उसको सोक करके रखा है। 600 ग्राम चावल लिए। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिसको रफली चॉप कर लिया है। इसी तरह मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज लिए जिसको मैंने काट लिया। धनिया और पुदीना मैंने ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, हल्दी चाहिए हमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला। आप देख सकते हैं कि साबित गरम मसाले की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पे करीब 15 से 20 अदर जो है आप काली मिर्च लेंगे। इसके अलावा अभी मैं चावल बॉईल करूँगी तो उसमें मैं ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1 से 2 बड़ी स्टिक दार चीनी की ले लें, 3 से 4 लौंग ले लें, 1 तेज़पात ले लें। अच्छा, इसके अलावा सौंफ 1 टेबलस्पून भर के लिया है, 15 से 12 अदद मैंने साबित लाल मिर्च जर्दे का रंग, 2 टेबलस्पून मैंने ये साबित धनिया लिया है, ठीक है, ये काला ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और 4 to 5 हमने लौंग ले लिए, 1 बड़ी मैंने लिए बड़ी इलायची लिए और 4 से 5 अदद छोटी इलायची ली है मैंने, ये 7 से 8 अदद क्लोव्स ले लिए, ठीक है, लौंग ले लिए। इसके अलावा बादियान का 1 फूल बड़ा लिया है, दार चीनी मैंने 2 स्टिक लिए हैं। इसके अलावा जायफल जावेत्री आप देख रहे हैं कि ये 2 ब्लेड्स मैंने लिए और ये 1/4 के करीब मैंने ले लिया। इसके अलावा 2 तेज़पात लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं, चलिए। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, अच्छा सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसको मैंने काट लिया, अब इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैंने नमक इसमें डाल दिया, ठीक है, ये आलू बॉईल होंगे और ये जर्दे का रंग भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने पानी बॉईल करने रखा है चावलों के लिए। चावल आप देख सकते हैं सोक हो चुका है, जैसे ही पानी बॉईल होगा मैं चावल ऐड कर दूँगी। इसके अलावा ये आप देखें, ये 1 तेज़पात, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया था, छोटी सी 2 स्टिक लिए, बल्कि ये एक कंप्लीट बड़ी स्टिक ले लें, 4 लौंग लिए, पानी बॉईल होगा। अच्छा, मैंने नमक ऐड कर दिया इस मोमेंट पे। मेरे पास 600 ग्राम के करीब चावल हैं तो मैंने 6 से 7 बड़े टेबलस्पून यानी टेबलस्पून जो है 6 to 7 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें भी नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। अब ये बॉईल होते हैं, राइस इसमें डालते हैं, बॉईल हो जाएगा, फिर आपसे गोश्त की तैयारी के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, देखें ये 1 कप के करीब हमने ऑयल डाल रहा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ध्यान से देखिएगा। ये करीब हमने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें प्याज फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, ये प्याज हमारी फ्राई होगी। चलो दूसरी तरफ ये अब हम प्याज फ्राई कर रहे हैं, ये मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया अभी, ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है। हाँ, जब तक ये लाल हो जाएगी, जब ये लाल हो जाएगी तो जब हम फिर इसको आगे करते हैं काम। अब यहाँ पर मुझे अपने साबित गरम मसाले को भूनना है, ठीक है, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। काली मिर्च जो आपको दिखाई थी, ठीक है, काली मिर्च डाल दी हमने, ये हमारा सौंफ आ गया, ये हमारी लाल मिर्च आ गई, इसको हमने क्या करना है, हल्का सा भून लेंगे। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं और दूसरे चूल्हे पे हमने प्याज रख दिए। जब रोस्ट हो जाएगा इन सबको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसको आप ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, ग्राइंड करेंगे फिर इसको साइड बाय साइड रख देंगे, फिर देखेंगे ये कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारी प्याज लाल हो गई, इसको
इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। प्याज लाल करते हैं, इसको भून के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्राउंड स्पाइसेस आ गए सारे, इसको हम इसको भून लेंगे अभी। अब हम इसको तकरीबन भून गया है, अब बस मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी प्याज लाल हो चुकी है, अब इसमें से हमने थोड़ी सी प्याज निकाल ली फॉर द गार्निशिंग। ठीक है, ये हमने प्याज थोड़ी सी निकाल ली। अब हम पॉइंट पे गोश्त शामिल करते हैं अपना। अच्छा, आप चिकन भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया। चूल्हा तेज कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ठीक है, चलें अब हम भून रहे हैं इसको अच्छा सा, ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब हम मीट बनाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से हम उसका पानी ड्राई कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है, पानी ड्राई कर लें। और गोश्त को वैसे भी अच्छे से कुक करना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा सा हम इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं, जो कि 2 टेबल स्पून था। ठीक है, ये हमारी नमक और ये हल्दी ऐड कर दिए सिमरन में। अब इसको हल्का से अबाउट 1 मिनट हम इसको भून लेंगे। ठीक है, अब ये 1 मिनट के करीब हमने इसको भून लिया है। इसका रंग आप देखें चेंज हो गया है। चूल्हा हमने जो है हाई फ्लेम पे रखा हुआ है इस वक्त। अब मैं इसमें हरी प्याज जो चॉप थी मोटी मोटी, वो देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस मोमेंट पे। ये ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने टमाटर ऐड करना है। ठीक है, जो हमने 3 मीडियम साइज टमाटर लिए थे। यहाँ पे अब हम इसको तकरीबन बस 1 मिनट और इसको स्टिर कर लेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट और स्टिर कर रहे हैं इसको। अब हम इसको स्टिर कर रहे हैं, थोड़ा भून रहे हैं। इस मोमेंट पे देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है। अभी हमारे जो ग्राउंड मसाले थे और बाकी मसाले थे वो भी हमने ऐड नहीं किए। अच्छा, अब हम 45 to 50 मिनट्स जो है गोश्त को टेंडर करने तक पकाएंगे। ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये पानी ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है, आप चाहें तो गोश्त को देख लीजिएगा कि आपने जो गोश्त लिया है उसमें कितना पानी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके 45 टू 50 मिनट्स लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी। चलें जी, ये देखिए हमारा गोश्त जो है टेंडर हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने जो बॉइल्ड आलू थे वो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये मेरे बाकी मसाले थे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, वो भी मैंने ऐड कर दिया। चूल्हा इस वक्त मेरा तेज है। अब मैं जो मेरे ग्राउंड स्पाइसेस थे जो हमने ग्राइंड किए थे वो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये मेरे पास करीब 1 कप के करीब मेरे पास दही है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और अब याद रखिएगा जब आप दही ऐड करते हैं तो चूल्हा आपका स्लो हो जाए, क्योंकि मसला ये है कि वरना दही फट जाएगी। तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया इस मोमेंट पे। अब मैं दही ऐड कर रही हूँ फर्दर, 1-2 मिनट इसको भुनेंगे, फिर हम अपनी लेयर्स लगाते हैं चावलों की। चलें जी, ये देखें हमने ये बिरयानी के लिए जो है ये कोरमा जो है ये तैयार कर लिया है। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। मैंने जो देगची में मैंने ऑयल के 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें चावल की लेयर लगाऊंगी सबसे पहले। ठीक है, चावल आप देख सकते हैं कि बहुत ही खिले खिले हैं, आपको नज़र आ भी रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खिले खिले हैं ये चावल। तकरीबन मैंने जो है 90% जो है इसको मैंने पकाया है, बाकी इसके अंदर ये पकेगा। ठीक है, ये मैंने लेयर चावलों की लगा दी। अब मैं जी ये कोरमा जो बिरयानी के लिए बनाया है, सिंधी बिरयानी के लिए,
वो मैं इसके अंदर जी इसकी लेयर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने चावलों पे ये लेयर अब इसकी बिछा दी है। अब जी इसके ऊपर हमने थोड़ा धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, और उससे पहले हमने थोड़ा जर्दे का रंग इसमें शामिल कर लिया। अब हमारे पास जो हरी मिर्चें थी, हरी मिर्च मैंने बीच से स्प्लिट कर दी थी, देख सकते हैं, ताकि इसका फ्लेवर भी एनहांस हो जाए, चावलों में आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास बाकी बचे हुए चावल हम डाल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं चावल कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। बाकी चावल जो 5% नहीं गले हैं, 5-10% वो मज़ीद इसके अंदर पक जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपने कमेंट से बताइएगा आपने बनाया और आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको बनाते हुए भी और खाते हुए भी। तो कमेंट ज़रूर में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपने कैसा बनाया या आप सिंधी बिरयानी आपकी क्या रेसिपी है। ठीक है, कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। अच्छा, ये देखें हमने गोश्त की लेयर लगा दी है। अब हम जर्दे के कलर की, जर्दे का रंग हम इस पर डाल रहे हैं थोड़ा। अब हमने क्या किया, धनिया पुदीना हमने डाल दिया थोड़ा। अब इसकी फर्दर हम थोड़ा सा और चावल डाल देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हमने चावल की लेयर इसके ऊपर बिछा दी, सही है। और इसको फिर हम दम देंगे 5-10 मिनट्स अबाउट। ठीक है, 5-10 मिनट्स के करीब हम इसको दम दे देंगे। अब ये बचा हुआ धनिया मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ये मैंने रंग जर्दे का इसके ऊपर डाल दिया, ये फ्राइड हमारे पास जो अनियन था वो डाल दिया है मैंने, ये हमारी हरी मिर्चें, ठीक है, हरी मिर्चें हमने डाल दिया है। अब ये देखें, मैंने ये 2 टेबलस्पून नींबू का जूस था, नींबू का रस था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है, और ये जो फर्दर कलर बचा है वो भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको दम पे लगाएंगे, और दम पे लगाने के लिए आप क्या करें, ये देखें मैंने कपड़ा इस तरह लगा लिया लिट के ऊपर। अब मैं इसको कवर करके 5-10 मिनट्स इसको मैं दम दे दूँगी, फिर हम इसको सर्व करते हैं। चलें जी, ये देखें जी हमारी बिरयानी गर्मा गर्म तैयार है, इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये दुआ निकल रहा है बहुत ज़बरदस्त सा, ये देखिए, ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी स्पेशल सिंधी बिरयानी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उम्मीद है कि आज की डिश आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अनियन जो कि हमने फ्राई की थी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी सिंधी बिरयानी आपको पसंद आएगी, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।